लोगों को तो विजिट करना चाहिए क्योंकि न्यू प्लेस है और नया है, तो उसका उसको भी अपना फीडबैक देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो आपका भाई ऋषभ है आपके साथ, तो चलिए करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी गाइस हम लोग कहाँ पर है, तो NH 31 पे आपको पीछे दिख रहा होगा और साथ में देखिए कौन है, ये फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है सचिन है, मेरा फ्रेंड है। सचिन हाय कर दो। हाय फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग मिले नहीं थे बहुत टाइम से, तो सोचा कि संडे आ ही रहा है तो चलते हैं कहीं प्लान करते हैं। तो हमारे बाड़ में भी द गार्डन कैफ़े एक फैमिली रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, इसे हम लोग कपल जोन भी बोल सकते हैं। तो आज वहीं पर हम लोग आए हैं फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए। पीछे देख लें आप लोग तो डोमिनोज दिख रहा है पीछे, और उसके ही सामने में अगर बात की जाए तो ये है गार्डन कैफ़े। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कैसी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग अभी, और यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे। यहाँ अभी हम लोग डिनर करेंगे तो उसका क्या फीडबैक है वो सभी चीज़ें आप लोग को देंगे और बहुत सारा सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं आज का एक और खूबसूरत सा ब्लॉग। गाइज अभी हमारे साथ इस खूबसूरत से कैफे के ऑनर हैं राकेश जी। हेलो सर। तो मतलब अभी इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे इस जगह के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे इस जगह के बारे में और आप लोग को सारी जानकारियां देंगे, तो ऑनर से ये सब चीज़ जानेंगे। तो सर मतलब क्या करने चाहिएगा हमारे व्यूअर को सबसे पहले? आप पहले तो हम आपके व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, और इस कैफे में जो भी कस्टमर आएंगे उनका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सर सबसे पहले बताइए मतलब कि जिसका ओपन हुआ था ओपनिंग, तो मतलब लगभग कितना दिन हो गया? ये 16/1/2023 को हम तो 16 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के अगले दिन यहाँ ओपन हुआ था। और मतलब ये जो आपने डिज़ाइन किया है मतलब ऐसा कहाँ से आपने सोचा था कि ऐसा कुछ लाना चाहिए? ये हमको लगा कि बाढ़ के अंदर मतलब फैमिली को लेके कहीं बैठ के खाने का अच्छा व्यवस्था नहीं है, वातावरण वैसा मिला नहीं, ऐसा वातावरण नहीं कहीं, तो इसीलिए और चूंकि हम एक्टिंग से भी हैं, अच्छा हम खुद एक्टिंग स्टेज शो भी करते हैं, प्रोग्राम बहुत सा हम किए हैं, और उसी को देखते हुए डिजाइन बराबर उसमें करते रहते थे, तो वही सोच के हम लोग। हाँ, क्योंकि आपने एक यहाँ पे जो हार्ट शेप जो दिया है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, और रात में तो और भी खूबसूरत हो जाता है, यहाँ का लाइटनिंग का जो व्यवस्था है ना, और ये भी अच्छा लगता है। आई लव द गार्डन कैफे है ना। तो अभी मतलब कैसा भी सेल चल रहा है अभी के टाइम पे? सेल अभी ठीक चल रहा है जी। और मतलब कि जैसे ये तो और NH 31 पर हाईवे कस्टमर यहाँ करीब से 100 से ऊपर जा रहा है, मतलब ओपनिंग से अगर ऐसा है तब तो अच्छा है, अच्छा ग्रो करा। और दूसरी बात कि हाईवे पर जी तो और भी बेटर है कि लोग आते जाते यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ना, जी जो कहीं आउट ऑफ टाउन भी जा रहे हैं जो रास्ते में रुकना हो तो भी खा पी सकते हैं फैमिली के साथ है ना जी। और इसको तो कपल जोन भी कह सकते हैं जी, कपल जोन। और 2 महीनों के बाद हम इधर जंगल सफारी पीछे चालू करें। तो एक और ये न्यूज आप लोग सुन लीजिए कि 2 महीने में जंगल सफारी गार्डन सफारी कह सकते हैं ना जी, गार्डन सफारी आने वाला। और मतलब और भी कुछ डेवलपमेंट है जी? नहीं, अभी फिलहाल तो वो सोच रखे हैं। अच्छा। और फिर ये आपको मीटिंग हॉल भी है मेरे पास। अच्छा। उधर है साइड में, उधर कम से कम वो मीटिंग हॉल में 500 लोग अरेंज हो एक बार। बहुत अच्छा। और मतलब जो आप गार्डन सफारी लाएंगे मतलब उसका क्या डिजाइन होने वाला? उसमें मात्र 6 टेबल रहेगा। अच्छा। करीब 20 कट्ठा का प्लॉट है। हाँ। और पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, उसमें पक्षी लोग भी बाहर से लाके छोड़ेंगे। अच्छा। और वो मतलब टेबल 6 रहेगा, और हर टेबल पर
मतलब क्या कहते हैं फोन रहेगा हट्टे पर इंटरकॉम फोन रहेगा, ऑर्डर वहाँ से लगाएंगे, डायरेक्ट मैनेजर के टेबल पर आएगा और उनको डायरेक्ट सेवा मिलेगी। तो मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी राकेश जी की तरफ से, और कुछ कस्टमर का फीडबैक मैं भी आप लोग को दूंगा और जानेंगे कि वो लोग कैसा रेटिंग करते हैं यहाँ को लेकर के। और जगह मुझे को तो अच्छा लगा और रात के लिए तो और भी ज़्यादा इसके लिए खूबसूरती वो निखर के आती है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग का जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग कुछ खाएंगे भी और खुद का भी फीडबैक देंगे। और बार के लिए हम बार के पब्लिक के लिए मतलब सबसे सस्ता में शादी समारोह के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए और बर्थडे के लिए सबसे लो रेट पर हम सारा व्यवस्था। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर लो रेट में अगर मिल जाए तो हर मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ पर आकर फंक्शन कर सकते हैं। उन्हीं को देखते हुए हम ये सोच रखते हैं कि उनको जितना से जितना, जैसे बहुत से लोग हैं जो हाई फाई क्लास के लोग हैं और मतलब वो तो अपना उनको पैसा है तो बड़ा बड़ा फंक्शन कर लेते हैं, जो कम इन्वेस्ट जिनके पास कम है, बच्ची का शादी करना चाहते हैं उनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए हम सुविधा और बहुत कम कम पर मतलब बुकिंग कर देंगे उनका और सारा अरेंज व्यवस्था। तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी किसी बार केक भी काटना हो तो क्या मतलब या बुकिंग लेते हैं यहाँ पे स्टॉल लगा के सिर्फ स्टॉल लगा के और अस्ट्रा में जैसे उनको और कोई सजा डेकोरेशन को बैलून्स वगैरह करना होता है ना, तो उसका अलग से जो चार्ज है वो लेते हैं और जो खाना का जो चार्ज है वो। बाकी अगर किसी को नॉर्मली अगर चाहे कि यहाँ टेबल अगर केक काटना हो उसका कोई चार्ज कोई चार्ज है ना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। बट डेकोरेशन अगर आप कराते हो तो उसका कुछ चार्ज अलग से लगेगा। और जैसे कि मतलब क्या कुछ फाउंटेन वगैरह लगाओगे यहाँ पे? मतलब पानी का जो झरना होता है जी यहाँ लगाएंगे पानी का झरना, मतलब हार्ट के पास में जी फाउंटेन भी लगेगा तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एक चीज था कि जैसे कि ये जो लुकिंग है काफी मतलब जैसे कपल जो है ना जी, तो मतलब गाना वाना का व्यवस्था नहीं किया क्या? नहीं गाना का भी व्यवस्था नहीं किया है। ऐसे मेरा 15 तारीख को अल्ट्राटेक कंपनी का मीटिंग है, उसमें प्रोग्राम मतलब स्टेज शो भी है उनका कंपनी का, अल्ट्राटेक कंपनी का। तो जैसे नहीं वो तो ठीक है ना, जैसे कि अगर आप कंटिन्यू नहीं है अभी हम लोग स्टेज के, वो स्टेज का नहीं, जैसे कि आपने क्या करना था ना, जैसे हर कोने पे छोटा सा जो स्पीकर होता है ना जी, जी, वो करेंगे वो लगा दो। और वो अगर मतलब धीमी धीमी आवाज में तो जो गाना बजे तो मीठा लगता है ना, और अच्छे अच्छे गाने बजे तो क्या होता है कि और भी खिल के जो खूबसूरती है ना, तो वो लाइन वो हम लोग तो व्यवस्था हम लोग को करना। बहुत अच्छा लगा राकेश जी से बात करके। पार्ट टू में हम लोग का सिर्फ कपल के लिए वो जो जंगल सफारी का है वो कपल के लिए, मतलब इनका जो डेवलपमेंट या यू कहें कि और जो रिनोवेशन इनको करना है वो बेसिकली सिर्फ कपल के लिए ज़्यादा होगा है ना, जिसमें 6 टेबल लगा होगा और जो भी पौधे आप लगा दो या और भी खूबसूरती को बढ़ा दो है ना, गमला लगेगा अभी हाँ। गमला डालना है, गमला हो गया फुटपाथ हो गया है ना, इसमें करीब 100 पीस गमला हम इसमें डालेंगे पूरा आगे और खूबसूरती हो जाएगा। साइड साइड से और बीच में अगर गमला लग जाता है ना तो और अच्छा लगेगा। तो ये फिर राकेश जी होगा इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा हमें, और होप सो कि इसी तरीके से कस्टमर रोज आते रहे, विजिट करते रहे और उनके थ्रू भी और इस वीडियो के थ्रू भी बहुत सारे लोग आप तक पहुंचे। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू सर। थैंक यू जी। मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, तो मतलब आप फर्स्ट टाइम आ रहे कि आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम में बाहर से देखे थे रोड पे से, तो सोचे तो आज संडे था तो आ गया। अच्छा, तो मतलब देखने से मतलब जगह कैसा लग रहा, लुक कैसा है यहाँ का? लुक ठीक ठाक है, इसका सबसे बेस्ट चॉइस ये है कि खुला जगह ओपन है, ओपन में तो पूरा ढाबा वाला फील आता है ना, ढाबा वाला फील आता है, ओपन है, इससे क्योंकि नेचर एनवायरनमेंट से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे लोग। और मतलब अट्रैक्शन कैसा है? अट्रैक्शन इसका ठीक ठाक। अच्छा, ऐसा स्पेस बहुत ज्यादा है, गैदरिंग कम है। और मतलब कि खाना आप लोग जो खा रहे हैं मतलब टेस्ट कैसा रहा है खाना का? बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। और यहाँ पे एक हार्ट जोन का जो शेप बनाया गया है, अच्छा। मतलब उसको देख के क्या कहेंगे, कैसा लगा? ये तो कपल के लिए है, कपल के लिए ना हाँ। मतलब जो जगह है मतलब एक तरीके से कपल जोन के रूप में हाँ। धीरे धीरे फेमस हो ही जाएगा हाँ, हाँ, हाँ। है ना, काफी अच्छा लग रहा है। और जो जगह वो ओपन है और गर्मी उर्मी में तो और अच्छा है, खुली हवा में आप आराम से खा सकते हो।
सो हमारे साथ राकेश जी के भाई भी हैं, ये भी ऑनर है, ज्वाइंट ऑनर है ना। और आपका नाम क्या बोल दिया? राम कुमार कश्यप जी, जो कि एक्स आर्मी से रिलेटेड है। और इनका ऐसा प्लान ही था कि आर्मी से जब ये रिटायरमेंट लेंगे, रिटायरमेंट ही है ना, हाँ, तो रिटायरमेंट लेने के बाद बाढ़ में ऐसा कुछ लाना था उनको, है ना, तो उसके बारे में इनसे भी जान लेते, तो बताइएगा सर। मेरा प्लान है कि आगे मैं स्टॉल जो दिख रहा है, हाँ, वहाँ पे जो अभी बाढ़ में अवेलेबल नहीं है वो कूलर पिज्जा। अच्छा, कूलर पिज्जा, हाँ, पटना में देखा था मैंने, कूलर पिज्जा का, हाँ, जो है स्टॉल डालने का है वहाँ पे। तो उसके बाद जो है कूलर कचौड़ी के बारे में स्टॉल डालने का प्लान है। तो उसके बाद जो है आगे में लिट्टी चोखा। अच्छा, इस तरह का तो बिहार किसान जी, बिहार किसान है, पूरी है, पाँच फ्लेवर में पानी पूरी है। उसके बाद आइसक्रीम हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, स्वीट हो गया, ऐसा ताकि जो है द गार्डन कैफे में आने के बाद किसी भी पर्सन को जो है बाहर जाने की किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ना पड़े। इसलिए जो है जो भी है, जो मार्केट में अवेलेबल जो हो कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है आदमी को, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल हो। बहुत अच्छा इनका प्लान है कि मतलब एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल हो और लोगों को ये नहीं कि यहाँ घुस जाने के बाद कोई एक चीज़ छूट जाए तो बाहर जाना पड़े, है ना, तो ऐसा कुछ इनका प्लान नहीं है। और कूलर पिज्ज़ा जो कि अभी पटना में कुछ टाइम पहले आया है, तो यहाँ भी आएगा कूलर पिज्जा, उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ होगा, पाँच फ्लेवर का पानी पूरी होगा, मिठाइयाँ होगी, सॉफ्ट ड्रिंक होगा, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है जो कि इनका स्टॉल आने वाला है ना। तो अच्छे अच्छे प्लान हैं इनके और अच्छा लग रहा है इन लोगों से बात करके और यहाँ के बारे में जान करके, है ना। और भी कुछ जो आपके पास हो? यहाँ नो स्मोक जोन है यहाँ पे, हाँ, कोई भी जो है नशा मुक्त है यहाँ पे बिल्कुल। अच्छा। कोई भी जो है यहाँ पर ड्रिंक मैंने वाइन का जो है सेवन यहाँ पर आउट ऑफ बॉन्ड है, प्लस जो है सिगरेट का यूज जो है ये भी वो आउट ऑफ बॉन्ड है यहाँ पे। और अगला नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है जंगल सफारी, द गार्डन सफारी, जिसमें जो है कि टेबल है उस पर, टेबल पे इंटरकॉम फोन लगा हो रहेगा और कहीं भी आप कॉल कीजिएगा तो आपको जो डायरेक्ट मैनेजर जो मैनेजर पास आएगा। हर टेबल का अलग अलग नाम होगा, टेबल का नाम होगा उस पर जो है, और उसमें छोटे छोटे कुछ जानवर जो है वो रहेंगे जो कि देखने में रोमांटिक जैसे लगे, इस तरह से लगे जो बाढ़ में नहीं है, जो आते हैं आदमी उसके बाद ये मन लगे कि हाँ भाई यहाँ पे आने के बाद जो कुछ अलग हट के, जिसमें कि हाँ आए तो यहाँ पर खाना खाए तो यहाँ पर पैसा मेरा वसूल हुआ और इंजॉय भी किया, ये इस तरह की इंटरटेनमेंट के लिए। इनका प्लान तो बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लगा दोनों भाइयों से बात कर, दोनों भाई मिल करके हमारे बाढ़ को एक खूबसूरत तोहफा दिया है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जो जगह है और बिल्कुल ढावा लुक है ना, एकदम खुला हवा में, तो नेचर के इन्वायरमेंट में आप बिल्कुल नेचुरली फील करके यहाँ पर आप आनंद ले सकते हो। तो थैंक्स हमसे बात करने के लिए और चलता रहे आपको कैसा, ऐसे बिंदास चलता रहे, है ना। तो फ्रेंड्स, शूटिंग तो कंटिन्यू चल ही रहा है और लेकिन अभी हम लोगों ने अपना डिनर मंगवा लिया है और हम लोग का डिनर में अभी मैंने मंगवाया है तंदूरी रोटी है, पनीर चिली है और तड़का है और सलाद वगैरह है ना। तो अभी इसका फीडबैक हम लोग भी दे देंगे कि मतलब कैसा यहाँ का टेस्ट है, तो वाकई जैसा ऑनर ने बोला वैसा है या नहीं है, जो भी है मैं आपको आउट ऑफ 10 कितना देना चाहिए वैसा भी चीज़ बताऊँगा। साथ में सचिन है तो सचिन भी बताएगा कि कैसा मतलब की रेटिंग देना चाहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू आप वॉच कीजिए, एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए, और अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने खाना शुरू किया, हमारा चिकन चिली और तंदूरी रोटी है। तो सचिन ने शुरू किया सबसे पहले, तो इसी से पूछते हैं कि कैसा लगा, तो मतलब कैसा टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मतलब टेस्ट अच्छा, और मतलब जिस रेट में मिल रहा है मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा, जिस खाने के अनुसार मिल रहा है इसलिए रेट जो है बहुत बढ़िया। तो एक बार ऑनर जी को थैंक्स जरूर बोलिए। और यदि मेरे खाने में कहीं भी कोई त्रुटि रह जाए तो उसका शिकायत जरूर भैया, जरूर। इसके लिए हमें बहुत खुशी होगी कि उसमें हम सुधार आगे कर सके और आप लोग को अच्छा से अच्छा खाना परोस सके। जी भैया, जरूर। तो यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड और होप सो कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे कि ज़्यादा पब्लिक तक ये वीडियो पहुँचे और वे लोग भी आकर के यहाँ पर विजिट कर सके।
तो थैंक्स ऑनर जी, और दोबारा जल्द से जल्द विजिट करूंगा मैं फिर से, है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। फॉरेस्ट सॉन्ग।